रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बेटी की डोली उठनी थी, उससे पहले बाप भाई और पांच रिश्तेदारों की अर्थी उठ गई, फूट फूट कर रोया गांव न्यू दिल्ली। बेटी की डोली उठनी थी, उससे पहले ही बाप भाई और पांच रिश्तेदारों की अर्थी उठ गई। हादसे की खबर सुनकर कोहराम मच गया। दरअसल पूरा परिवार बेटी की शादी को लेकर काफी खुश था। इसके लिए चंडीगढ़, मोहाली और खरड़ मार्केट से शॉपिंग भी कर ली गई थी। शादी के इंतजाम व बारात के स्वागत में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए पूरा परिवार 15 दिन पहले सोमवार रात मथुरा के लिए रवाना हो गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस सफर पर निकले 16 लोगों में से 7 का साथ छूट जाएगा। सड़क हादसे में बाप भाई और 5 रिश्तेदारों की मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए लोगों के रिश्तेदार ने बताया कि परिवार वाले मथुरा जिले के श्यामनंगला में देवी सिंह की बेटी सीमा की शादी में शामिल होने जा रहे थे। शादी 20 जून को थी। देवी सिंह उसके अंकल हैं। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7 बजे उन्हें पलवल पुलिस की कॉल आई थी। 20 जून को देवी सिंह की 22 साल की बेटी प्रियंका की शादी थी। इस कारण वे सोमवार की रात को पूरे परिवार सहित सिलेंडर सप्लाई करने वाली अपनी पिकअप गाड़ी से गांव श्याम नंगला के लिए निकले। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर गांव कटेसरा के पास पीछे से तेज गति से आ रहे एक कैंटर ने पिकअप में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।